हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 4 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, 2018 में 42वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा बहरीन की राजधानी मनामा में, और इस बैठक में चीन में स्थित माउंट फंजिंगशान को विश्व धरोहर की सूची में अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों पर ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नए नियमों के तहत कम से कम कितने टेस्ट मैच पर प्रतिबंध लगाएगा? तो इसमें आंसर आएगा 6 टेस्ट पर। 6 टेस्ट के अलावा या 12 एक दिवसीय मैचों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं विश्व पुलिस और फायर गेम किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा कैलिफोर्निया USA, और इसमें 101 सदस्य भारतीय पुलिस दल ने 321 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 करोड़ रुपए से अधिक के NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट मामलों से निपटने के लिए एक प्रिसमिति प्रबंधन कंपनी द्वारा स्टीयरिंग समितियों की सिफारिश किसने की है? तो इसमें आंसर आएगा सुनील मेहता पैनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना के दौरान एकत्रित डाटा इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से संग्रहित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा 2021 की जनगणना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत बैठक की प्राकृतिक स्थलों पर आधिकारिक सलाहकार निकाय कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा दूध योजना निम्नलिखित राज्य में से कहां शुरू की गई? तो इसमें आंसर आएगा यह योजना राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 2 जुलाई से 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध पिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंत गणपत नादकर्णी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थलसेना वायुसेना नौसेना में से किसके चीफ थे? तो इसमें आंसर आएगा जयंत गणपत नादकर्णी नौसेना के चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग्स की तस्करी पर फांसी की सजा दिए जाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा पंजाब सरकार ने, और उन्होंने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आंकड़ों के संकलन संबंधी नियमों में बदलाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो इसमें आंसर आएगा रविंदर ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दस्तावेज के आधार पर तुरंत पैन कार्ड प्राप्त करने हेतु सेवा आरंभ की गई है? तो इसमें आंसर आएगा आधार कार्ड से पैन नंबर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम आरंभ किया? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली ने, और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने नई दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अंडर 12 फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी एक बाढ़ के पानी से भरी गुफा में फंसे हैं और उन्हें बाहर निकालने में 4 महीने लग सकते हैं? तो इसमें आंसर आएगा थाईलैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी विदेश विभाग की 2018 तस्करी व्यक्तियों की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को सबसे खराब मानव तस्करी राष्ट्र टैग किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर कोरिया को, और उत्तर कोरिया को लगातार 16वें वर्ष सबसे खराब मानव तस्करी राष्ट्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की आयुष्मान भारत योजना
15 अगस्त 2018 से लागू की जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान के शोएब मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आपटा का पूर्ण नाम क्या है? तो इसमें आंसर आएगा एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे इनिस्ता ने हाल ही में फीफा 2018 विश्व कप में अपने देश की हार के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लिया, यह किस देश के खिलाड़ी है? तो इसमें आंसर आएगा आंद्रे इनिस्ता स्पेन के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने दुनिया के सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा आयरन मैन ट्रायलाथोन को पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें आंसर आएगा मेजर विक्रम डोगरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसमें आंसर आएगा एरोन फिंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया में आयोजित ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री 2018 का खिताब किसके नाम रहा? तो इसमें आंसर रहेगा मैक्स वेस्टरपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड लेगेटिक्स आयोजन करके ऑनलाइन कानूनी अनुपालन प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी फंसे हुए कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक समग्र नीति लाने का ऐलान किया है और इस समग्र नीति को प्रोजेक्ट सशक्त के नाम से लागू किया जाएगा, जिसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को देशभर में प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी अंतर्राज्य मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से संबंधित अधिनियम को रद्द करने व संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है तमिलनाडु पब्लिक प्रॉपर्टी मालसेशन एक्ट 1987 को रद्द किया है, तमिलनाडु बंगाल और बॉम्बे चिल्ड्रन अधिनियम 1925 को रद्द किया है, तमिलनाडु राजस्व रिकवरी अधिनियम 1964 को संशोधित किया है। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए दो क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2018 किस देश ने जीता? आपके ऑप्शंस है न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन। सेकंड क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति कौन सी है? आपके ऑप्शंस है थाईलैंड के महान बुद्ध, नेक्स्ट वसंत मंदिर बुद्ध चीन, नेक्स्ट माउंट नीके कन्फ्यूशियस और लास्ट ऑप्शन है रामानुजाचार्य मूर्ति हैदराबाद। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।
ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।